आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों के लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती है। एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहा। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों के ट्रम्प से भी समय उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के भी याद करने का अवसर है।